मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं एमएस मोटिवेट यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी जीमेल की आईडी को वेरीफाइड कर सकते हैं। अगर आप अपनी जीमेल की आईडी को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपका यूट्यूब का चैनल हैक भी किया जा सकता है। यही मोबाइल नंबर आप जीमेल की रिकवरी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जीमेल और यूट्यूब के मतलब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप मुझे फेसबुक पेज के ऊपर इनबॉक्स कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपनी यूट्यूब की अबाउट में दे दिया है। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो गाइज मोबाइल नंबर देने के लिए आपने अपनी जीमेल में जाना है। जीमेल में जाने के बाद आपको ऊपर की तरफ तीन लाइनें नज़र आ रही हैं, तो आपने इनके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी जीमेल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे की तरफ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा मैनेज अकाउंट्स, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी जीमेल के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, गूगल अकाउंट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है कि जो दूसरा ऑप्शन है आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपने नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा ऐड अ रिकवरी फोन टू हेल्प कीप योर अकाउंट सिक्योर, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो अभी जो है ना आपसे यहाँ पर आपने ऐड नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे जो है ना आपकी जीमेल का पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी जीमेल का पासवर्ड लगा देना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो दोबारा से आपने क्या करना है, ऐड नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपना कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद इसके सामने यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आपको गेट कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक जो पासवर्ड है वो आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएगा, ये आ चुका है 247572। ये आपने यहाँ पर लिख लेना है और इसके बाद आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ोन नंबर है ये वेरीफाइड हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।